फेस्टिव सीजन में बहुत सारा काम करना पड़ता है, इधर की सफाई, उधर की सफाई और ऊपर से सॉफ्ट टॉयज़ की भी सफाई करो। तो चलिए आज मैं आपको दिखाती हूँ कि सॉफ्ट टॉयज़ की सफाई आप कैसे कर सकते हैं और उनको बिल्कुल नीट एंड क्लीन कैसे बना सकते हैं। ये है मेरा इकलौता टेडी बियर जिसको मैं हमेशा पैक करके रखती हूँ। तो चलिए आज इसको देखते हैं कि आज इसकी हालत क्या हो रही है। बाहर से तो देखने में बहुत ही ज़्यादा गंदा लग रहा है ये, तो चलिए इसे अनपैक करते हैं। इसको मैंने करीब 2 साल पहले वॉश किया था, शायद आप लोगों ने वीडियो उसकी देखी भी होगी और आप लोगों ने बहुत सपोर्ट भी किया उस वीडियो को। अगर नहीं देखी है तो आप अभी जाके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अब मैं इसे अनपैक कर रही हूँ और उसके बाद इसकी कंडीशन देखो कितनी ज़्यादा ख़राब लग रही है। बैक साइड से भी देखते हैं इसकी क्या हालत है। बैक साइड से भी थोड़ा थोड़ा गंदा हो गया है, बट जहाँ पर मैंने इसे कपड़े पहनाए थे वो तो बहुत ज़्यादा गंदा रखा है, और पैरों में मैंने इसके कोई कपड़े नहीं पहनाए तो पैर तो एकदम इसके नीट एंड क्लीन है। तो चलिए इसको वॉश करना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं दिखा दूँ इसके हाथों की कंडीशन, ऐसा लग रहा है कि मेरे घर का सारा काम यही करता है। देखिए ठीक है, फिर जो पार्ट ज़्यादा गंदा है उसी को मैं वॉश करूँगी, पूरा तो वॉश नहीं करने वाली मैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हाउ टू वॉश टेडी बियर। सबसे पहले तो इसके जो डिज़ाइनर क्लोथ्स हैं ना उसको उतार लेती हूँ मैं, जो कि मैंने ही सिले थे, बहुत ज़्यादा स्पेशल थे। तो ये मैंने ले लिया है डिटर्जेंट, आप कोई भी डिटर्जेंट का यूज़ कर सकते हैं या फिर आप शैम्पू का भी यूज़ कर सकते हैं। इसको मैंने पानी में घोल लिया है, अच्छे से इसको घोल लेते हैं। और सबसे पहले मैं इस पानी से इसके हैंड को वॉश करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने प्रोसेस। सर्फ वाला जो पानी है वो मैं इस पर डालूंगी और हल्के हल्के हाथों से इसे रब करूँगी। बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रहा है गाइस, पता नहीं इसने ऐसा क्या किया है जो इतना गंदा हो रहा है ये। इसको तो हमेशा मैं कवर करके रखती हूँ। आप बताइएगा कमेंट में कि आपके टॉयज़ की हालत कैसी है, मेरी तरह गंदे हैं या बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। अगर गंदे हैं तो आप ऐसे वॉश भी कर सकते हैं मेरी तरह। बहुत ही हल्के हल्के हाथों से मैं इसको रब कर रही हूँ, ज़्यादा पानी का यूज़ नहीं कर रही हूँ मैं। पानी जब अंदर चले जाता है ना तो सूखने में बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, तो इसलिए मैं ज़्यादा पानी यूज़ नहीं कर रही हूँ, बस थोड़ा थोड़ा सर्फ के पानी से रब कर रही हूँ। अब ऐसे ही सेकेंड हैंड की बारी, इसको अभी मैं दोनों तरफ से वॉश कर लेती हूँ। हल्के हल्के हाथों से एकदम रब किया और हल्का हल्का पानी डाला और बस साफ कर लिया। अब आई बैक साइड की बारी, ये भी बहुत ज़्यादा पार्ट गंदा हो रखा था इसका, तो इस पर भी मैंने सेम प्रोसेस करी, हल्का हल्का पानी डाला और मसलते रहे जब तक इसका काले से गोरापन ना आ जाए। तो आज ये पार्लर में आया ना तो आज इसको सुंदर सा तो बनाना बनता है। तो मसल तो लिया है, अब इसको साफ़ पानी से वॉश कर लेते हैं, हल्का हल्का पानी डाल के सारा सर्फ का पानी निकाल देंगे और इसे अच्छे से निखरने देंगे। अब आई इसके हेड वॉश की बारी, तो देखिए हेड मसाज के साथ साथ इसका हेड वॉश भी हो रहा है, ऐसा कभी हुआ है किसी पार्लर में। तो देखिए सब तरफ से मैंने इसको अच्छे से धो लिया है। वैसे तो मैं सोच रही थी इसे बस एक ही साइड से धोऊंगी, थोड़े थोड़े हाथों को वॉश कर दूंगी, बट ये पूरा ही गंदा लग रहा था तो मुझे इसको पूरा ही धोना पड़ा। तो देखिए जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकाल देंगे और इसे निखरने देंगे थोड़े टाइम के लिए। आप देख सकते हैं इसका हाथ जितना गंदा सा हो रखा था ना वो एकदम नीट एंड क्लीन हो गया। अब मेरा टैडी लेगा 3 से 4 घंटे का सन बाथ। आज धूप बहुत हल्की है तो मैंने इसे 4 से 5 घंटे रखा छत पे और उसके बाद ये अच्छे से सूख गया था, तो मैं इसको ले आई थी नीचे। और मैंने सोचा अब इसने नहा लिया है तो आज इसके बालों को भी एकदम से सेट कर दिया जाए, तो मैं इसे कॉम्ब से सेट कर रही हूँ। आप ऐसे हल्का हल्का सेट कर लीजिएगा क्योंकि गीले फर हो जाते हैं ना तो एकदम से चिपक जाते हैं आपस में, तो कॉम से इसको अच्छे से सेट कर लीजिए। और देखिए मेरे घर पे आ गया एक छोटा सा बेबी, वो बड़ा खुश था इसको देख के। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, कैसी लगी प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी तो उसे भी जाके अभी देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो।